नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई में लोकल ट्रेन को लाइफ लाइन माना जाता है। इसी लाइफ लाइन से हर रोज हजारों लोग यात्रा करते हैं, लेकिन इन्हीं यात्रियों में से कुछ यात्री इस लाइफ लाइन लोकल ट्रेन से गिरकर या पटरी पार करते वक्त लोकल ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। एक आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद ने लोकल ट्रेन से होने वाली मौतों की जानकारी रेलवे से मांगी। रेलवे के तरफ से जो जानकारी दी गई है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रेलवे ने जानकारी दी है कि पिछले 5 सालों में यानी 2013 से अब तक 18,423 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18,874 लोग घायल हुए हैं। इन 5 सालों में सिर्फ 2018 के 8 महीनों में 2,173 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 1,974 लोग घायल हुए हैं। रेलवे की तरफ से ये जो आंकड़े आए हैं ये वाकई दुख देने वाले आंकड़े हैं। आपको बता दें कि ट्रेन से गिरकर या ट्रैक पार करते वक्त हर महीने लगभग 250 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि इन हादसों को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेलवे को सुरक्षा दीवार उठाने के निर्देश दिए थे, मगर इसके बावजूद रेलवे ने इस निर्देश पर कोई काम नहीं किए। तो शकील अहमद ने रेलवे के इस रवैये से बेहद नाराज हैं। शकील अहमद ने अपनी मांग रेलवे के आला अधिकारियों और रेल मंत्री से करते हुए कहा है कि रेलवे मुंबई करो की जान से न खेले, जल्द ही हादसों को रोकने का उपाय निकाले। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।